खनिया थाना के मरिया तालाब के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लोगों ने खनिया थाना के युवक के कनपट्टी में गोली मारी है। बता दे बड़ी खबर है, जहां कनपट्टी में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक का नाम धर्मेंद्र सोनी बताया जा रहा है, जो कि मरिया तालाब के पास घायल अवस्था में पड़ा। घायल युवक धर्मेंद्र को उपचार के बाद खनिया थाना चिकित्सालय शिवपुरी जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें गोली मारने के कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। सूत्रों से मिल रही है जानकारी के अनुसार गोली चलाने वाला खनिया थाना का ही निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें फिलहाल खनिया थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। यह पूरा मामला भी खनिया थाना थाने का बताया जा रहा है। अरे हमें बात करना हो हॉस्पिटल में। सर डालू भाई है, ये भाई ये चंदन है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।